जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हर्षित पांडे आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज फिजिक्स का दूसरा इम्पोर्टेंट सेशन मैं लेकर के आ गया हूँ, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि संसंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है। संसंजक और असंजक को अंग्रेजी में कहते हैं कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स, कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, ऐसा ना सोचे कि इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में नहीं लिखा है। और श्यानता और विस्कोसिटी की बात, श्यानता को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से पढ़ते हैं। ससंजक और असंजक बल, कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे अगर एक चौक है, चौक कैसे जुड़ा हुआ है? चौक में जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसके जितने भी एटम्स होते हैं, वो सभी में जो फोर्स लगता है वो एक ही टाइप का पदार्थ है। पहली बात तो एक ही प्रकार का पदार्थ है चौक के अंदर, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो एक ही साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एक पदार्थ और उसके अंदर जो बल लगता है आकर्षण, उसको क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं, या फिर कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ठोसों का ससंजक बल जो होता है वो अधिक होता है। किसका? सॉलिड का जो कोहेसिव फोर्स होता है, क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है जो सॉलिड का, वो ज्यादा होता है किससे? लिक्विड के कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, ये आप जरूर नोट करके आएंगे अगर आपके लिए लघुत्तरी में ये क्वेश्चन आता है। अगर अतिलघुत्तरी में आता है तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आपके लिखने से टीचर इंप्रेस ही होगा, गलत कुछ भी नहीं होगा, नंबर ही देगा आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं या फिर अडेसिव फोर्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वहां पे एक ही पदार्थ के बीच में लग रहा था, यहाँ पे भिन्न भिन्न पदार्थ आ गए, मतलब एक पदार्थ दूसरा कोई होगा, दूसरा पदार्थ दूसरा कोई होगा, उनके बीच क्या लगेगा? अडेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, असंजक बल के कारण पानी कांच को भिगोता है, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। जैसा मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब देखिए, अगर मैं मानूं कि ये स्क्रीन मेरी एक पार्टिकल है और जो जिस पेन से मैं लिख रहा हूं ये दूसरा पार्टिकल है, तो दूसरे पार्टिकल्स जो मैंने लिखा वो उभर करके आया, इसका मतलब दो पार्टिकल्स पे क्या हो रहा है? ये असंजक बल लग रहा है, अडेसिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अगर देखिए, आप कांच देखते होंगे, जब आप जिसमें आप चेहरा देखते होंगे सुबह उठने के बाद, तो वहां पे देखते हैं कि आप कांच धुलते हैं तो पानी उस पे रह जाता है। पानी रहने का कारण यही है कि वहां पे असंजक बल लगता है, और दो के दोनों पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और एक चीज यहाँ पे नोट करने की, वो है कि जब किसी ठोस या फिर द्रव, मतलब यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के पेयर, मतलब इन दोनों का साथ में अगर हम अडेसिव फोर्स निकालते हैं, इन दोनों का साथ में अगर हम असंजक बल निकालते हैं, उसका जो वैल्यू आता है, एडहेसिव फोर्स की जो वैल्यू आती है वो ससंजक बल के मान से अधिक होता है। अगर ये वैल्यू जो यहां पे आई है, इन दोनों युग्म का साथ निकालने के बाद जो असंजक बल आया है, अगर वो अकेले का लिक्विड के एडहेसिव फोर्स, असंजक बल लिक्विड के कोहेसिव फोर्स, सॉरी लिक्विड के, यहां पे लिक्विड के, या फिर क्या कहते हैं, द्रव के कोहेसिव फोर्स से अगर ज्यादा होता। मैं फिर समझाता हूं आपको। जो आपने देखा ना कि कांच पे पानी डालने के बाद कांच गीला कैसे हुआ, आप देखिए, तो कांच का और पानी का, अगर हम देखिए, कांच क्या है? एक सॉलिड है, और लिक्विड क्या हो गया? पानी हो गया। उन दोनों का अगर हम साथ में एडहेसिव फोर्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका मान जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही आया होगा, वो असंजक बल उसमें ज्यादा ही आया होगा। जिस कारण से, किससे ज्यादा आया होगा? वो कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, पानी के ससंजक बल से ज्यादा आया होगा, इसीलिए ठोस को गीला कर देता है। ठीक है, जैसे पानी कांच पर चिपकता है, पानी उंगली से चिपक जाता है, दूध आप देखते होंगे, दूध पे आप देखते होंगे, आप उंगली डालते हैं तो दूध उस पर चिपक जाता है, तो किस कारण चिपकता है? वो असंजक बल के ज्यादा होने के कारण, किससे? ससंजक बल के। ठीक है, जब असंजक बल का मान द्रव के ससंजक बल के मान से कम होता है, जस्ट इसका उल्टा कंडीशन की बात कर रहा है, इसके उल्टी कंडीशन पे क्या होगा? तो वो ठोस को गीला नहीं कर पाता। जैसे आप थर्मामीटर में देखते होंगे बुखार नापने के लिए, जो उसमें उसके अंदर मरकरी होता है, पारा होता है, वो कभी भी कांच से चिपकता नहीं है। आप जब टेम्परेचर देखते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होता है? ठोस जो पारा होता है वो आगे से बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, जैसे पारे के सतह पर तेल फैल जाता है, ठीक है, मरकरी पे क्या होता है? तेल फैल जाता है, और यहाँ पे क्या, थर्मामीटर में पारा नहीं चिपकता है। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तरल का वह गुण, तरल क्या होता है? फ्लूइड होता है। तरल क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड को क्या कहते हैं? तरल। तरल का वह गुण, गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध होता है। अपेक्षित गति क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है यहाँ पे। क्या बात कर रहा है? रिलेटिव मोशन। अब देखिए, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे तो ये हाथ दोनों ऐसे, अगर मैं ऐसे रगड़ता हूं तो क्या होता है? इस पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, इसको आगे ले जाता हूँ,
तो क्या हो रहा है, इन दोनों का रिलेटिव मोशन हो रहा है, इनके बीच में आपस में गति हो रही है। वैसे ही जब पानी आप देखते हैं, तो पानी आप अगर किससे गिरा रहे हैं, अगर आप बॉटल से गिरा रहे हैं या फिर कुछ और भी कर रहे हैं, पानी से जब जाता है तो उसमें क्या, उसके बीच में भी पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, अपेक्षित गति होती है। तो उन गति का जो विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, श्यानता कहलाता है भाई। क्लियर हो गया? जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच, परत मतलब लेयर्स के बीच में, जैसे हमने पानी उठाया, हम शहद उठा लेते हैं, तो शहद में विस्कस फोर्स जो होता है, जो श्यानता बल होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो ज्यादा, फोर्स ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, वेग जो होगा वो कम होगा, इसमें शहद की बात कर रहे थे हम। तो जबकि तरल की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल श्यान बल होता है। जैसे मैंने बताया पानी के बीच में जो वो बल लग रहा है, जो उसकी उनकी परतों के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया के जो बीच में गति का जो विरोध हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, श्यानता। समझ में आ गया आप लोगों को? द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। किसके कारण होती है? ससंजक बलों के कारण होती है, कोहेसिव फोर्स के कारण होती है। किसके कारण? कोहेसिव फोर्स के कारण। जो लिक्विड में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाला जो ससंजक बल होता है उसके कारण होती है। और अगला, गैसों में श्यानता इसका एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण क्या क्या होता है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होना या फिर मूवमेंट होना। क्या हो रहा है, एक अणु दूसरे अणु के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, गैसों की बात कर रहे हो तो उनमें क्या होता है, श्यानता होती है। वहां पे गैसों में श्यानता इसका एक परत से दूसरी परत में अणुओं के श्यानता स्थानांतरण करके कारण होती है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं, गाढ़े का मतलब जितने सॉलिड होते हैं, सॉलिड का मतलब कह सकते हैं आप कि जितने ज्यादा डेंसर होंगे, क्या होंगे, जितने ज्यादा डेंसर होंगे मतलब उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उनके घनत्व ज्यादा होगा, वे उतने ही अधिक श्यान होंगे। वायु की श्यानता पानी की श्यानता से कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर गैस की होगी। सॉलिड का मतलब यहाँ पे, सॉलिड का मतलब एकदम ठोस की बात नहीं कर, जैसे सेमी सॉलिड हो गया, शहद अगर आप इसको एकदम कड़ा कर देते तो भी वो सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ यही लिखिए कि लिक्विड, लिक्विड की किससे ज्यादा होगी, गैस से ज्यादा होगी। क्लियर? एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, एक आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी जो ईटा होगी, नीटा कहिए या फिर ईटा कहिए, वो क्या होगी, वो बराबर होगी जीरो के, या कहीं जगह पे ईटा कहते हैं, कहीं जगह पे नीटा कहते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप जल्दी से लिखिए। ताप बढ़ाने पर लिक्विड की, किसकी, लिक्विड की श्यानता, विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी घट जाएगी। जबकि गैसों में बात करें, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया गैसेस के लिए, हमने गैसों के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ये किसके लिए था, ये लिक्विड के लिए था, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम। अगर गैस के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन गैसों की बढ़ जाती है विस्कोसिटी। किसी तरल पदार्थ की श्यानता को श्यानता गुणांक कहते हैं या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। उसी द्वारा इसका मापन भी किया जाता है कि किसी भी जो लेयर्स हैं, परतें, जो किसी भी आप मतलब लिक्विड की बात करें, अगर उनके बीच में परतों में जो बल लग रहा है, जो विस्कस फोर्स लग रहा है, जो श्यान बल लग रहा है, उसको मापने का जो तरीका होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है डेका पॉयज। क्या होता है? डेका पॉयज या फिर पॉइजली। क्या होता है? पॉइजली। क्या होता है? पॉइजली। क्या होता है? पॉइजली या फिर डेका पॉयज होता है, इसको पीआई से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? दोनों टॉपिक मैंने समझा दिया, श्यानता और ससंजक और असंजक बल। क्लियर? अब देखिए, जो बच्चे नहीं देखे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाकर के जरूर से जरूर देखिए, टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स की मैंने बता रखा है, आपको जरूर से जरूर 15 क्वेश्चन करके जाने हैं। जो बच्चे लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो जो अंतिम में पढ़ रहे हैं उनको देखिए और ये 15 क्वेश्चन जरूर करके जाइए, तो अप्लाइड फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब में फोड़ करके आएंगे आप, गारंटी में दे रहा हूं आपको। और ये आप देख करके आइए, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो देखे हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर आंसर लिखने की अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देखेंगे कि आपको उस हिसाब से आप नंबर नहीं पा रहे होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या फिर आप कुछ भी कर रहे होंगे, अपनी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, तो आप जो आपने आप किसी गाइड से आंसर देखेंगे वहां पे आंसर जो लिखा होता है या फिर आप किसी नोट्स में जो आंसर देखते हैं उसकी तरीके आप नहीं लिख पाते हैं। तो आप यहाँ पे जब इसको वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे कि लिखना कैसे, तरीका क्या होता है लिखने का। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ आपका वीडियो होता एंड। अगर आपको मजा आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।